कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव और अधिक बढ़ गया है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने इसके साथ ही ऐलान भी कर दिया है कि कृषि कानूनों के रद्द होने तक ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। किसानों ने आंदोलन तेज करने की रूपरेखा भी तय कर ली है। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा था जिसमें एमएसपी को लेकर गारंटी की बात कही गई। उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव के बाद किसान नेताओं ने सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग की। इस बैठक के बाद किसानों ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मन की बात कही। इस दौरान किसान नेताओं ने आंदोलन को और अधिक तेज करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली की सड़कों को जाम भी किया जाएगा। इसके अलावा किसान 14 दिसंबर को बीजेपी के ऑफिस का घेराव करेंगे, तो वहीं कृषि कानून के वापस होने तक ये जो आंदोलन है वो निरंतर जारी रहेगा। तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट जो है वो यही है कि कल जिस प्रकार से लिखित प्रस्ताव यहां पर गृहमंत्री अमित शाह की मंजूरी और पूरी कैबिनेट की बैठक के बाद में तैयार करके भेजा गया था, जिसमें एमएसपी जिस पर सबसे ज्यादा संशय बरकरार है उसकी गारंटी यहां पर लिखित तौर पर दी गई, लेकिन किसान संगठनों ने जो प्रस्ताव है उसे सिरे से खारिज कर दिया। और अब एक ही मांग है, उनकी मांग जो है वो यही है कि लगातार जो कानून उन पर थोपा जा रहा है एक तरीके से, वो कहते हैं उसे वापस लिया जाए। चलिए, सहयोगी प्रीतकरण इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि शायद जब एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी जिस पर सबसे बड़ा संशय है उसके बाद ये आंदोलन कुछ धीमा पड़ेगा, लेकिन किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जो कानून एक तरीके से उन पर थोपा जा रहा है ऐसा वो कहते हैं उससे वापस लेने के अलावा कोई और ऑप्शन सरकार के पास बचता नहीं है। आंदोलन को तेज किया जाएगा। प्रीत जी बिल्कुल, आंदोलन को तेज करने की बात की जा रही है किसानों की ओर से। कल जिस तरीके से सरकार ने प्रस्ताव बनाकर किसानों के सामने पेश किया था, किसानों ने बैठक बुला के डिस्कस करके ये कहा कि ये किसी भी तरीके से सरकार उनकी बातों को मान नहीं रही है। प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया जा रहा है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी लाई जा रही है तो, और एमएसपी का भी पूरा आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो किसानों के सामने जो प्रस्ताव रखा गया है वो मंजूर नहीं है। किसानों ने ये कहा कि जब तक सभी मांगों को नहीं माना जाता तब तक किसान इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। अब ये ऐलान किया गया है कि 12 दिसंबर को देश भर में पूरी तरीके से किसान जो है जबरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें दिल्ली जयपुर जो हाईवे है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। देश भर के जितने भी टोल प्लाजा है उनको फ्री करने की मांग की जा रही है किसानों की ओर से। तो फिलहाल ये है, साथ में 14 तारीख को देश भर में धरना देंगे। जिस तरीके से 8 तारीख को देश बंद का ऐलान किया गया था किसानों की ओर से, एक तरीके से फिर से 14 तारीख को देश बंद का ऐलान किया जा रहा है। तो तमाम बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो जियो की बात करें, अटानी अंबानी की बात करें, स्टोर्स की बात करें, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, किसान इनको बॉयकॉट करेंगे। साथ में ही जो भाजपा नेता हैं उनके, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो या फिर नेता हो भाजपा के, उनका घेराव करेंगे, उनका भी बॉयकॉट किया जाएगा, उनके घर के बाहर धरना दिया जाएगा किसानों की ओर से। और जितनी संख्या में किसान जो है पंजाब से दिल्ली बॉर्डर्स पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं, हरियाणा से दिल्ली बॉर्डर्स पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं, इस संख्या को बढ़ाया जाएगा और भी ज्यादा जो प्रदर्शन है उसको उग्र बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसानों की ये तैयारी है। हालांकि सरकार के अगले जो प्रस्ताव है, आगे क्या प्रस्ताव देती है किसानों को ये देखना होगा। किसान अगले प्रस्ताव का भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या सरकार इन तमाम मांगों को जो किसान मांग कर रहे हैं उनको मानती है या फिर नहीं। प्रीत, कहीं ना कहीं छठे दौर की जो बातचीत होने वाली थी क्या वो अभी नहीं हो रही है, उसे पोस्टपोन किया गया है। साथ ही में विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल है, 5 सदस्यीय, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, वो कल मिले हैं राष्ट्रपति से, क्या बातचीत वहां पर हुई? देखिए, राहुल गांधी की तरफ से कल मुलाकात के बाद राष्ट्रपति से ये कहा गया कि सरकार को जरूर पूरे मुद्दे पे बेरुखी ना दिखाते हुए सरकार किसानों की बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने जरूर आश्वासन दिया, ये कहा कि गंभीर मुद्दा है, किसानों को इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, राष्ट्रपति ने ये कहा कि किसानों को मनाने की। तो फिलहाल अब देखना होगा कि सरकार कब तक किसान और सरकार के बीच में रजामंदी बनती है
और कब तक ये जो सहमति है ये बनती है ताकि जो प्रदर्शन है वो खत्म किया जा सके। हालांकि प्रदर्शन 14 तारीख को 12 तारीख को और भी ज्यादा उग्र किए जाने की बात की जा रही है, जी किसानों की ओर से जी भाजपा नेताओं का बॉयकॉट करने की बात की जाए। जी प्रीत, कहीं ना बताइए। कहीं अगर इस प्रोटेस्ट की बात करें तो 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। समाज के एक बहुत बड़े वर्ग ने इसे अपना समर्थन दिया, विपक्षी दलों ने इसे समर्थन अपना दिया, और बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां से लोग सामने आए, पॉलिटिकल लोग हो या फिर सेलिब्रिटीज हो, सबने अपना समर्थन दिया है कहीं ना कहीं यहाँ पर किसान आंदोलन को। जी बिल्कुल, तमाम वर्गों की तरफ से, सेलिब्रिटीज की तरफ से और उद्योगपतियों की तरफ से भी कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के आने वाले लोग हैं वो लोग भी मदद के लिए, किसानों के लिए पहुंचे। तमाम एनजीओ भी सामने आए, जी विपक्षी दल भी सामने आए, उन्होंने जाके मदद की, बातचीत की। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं सभी के रास्ते किसानों के लिए खुले हुए हैं। सरकार की ओर से लगातार बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दल कह रही है कि केवल और केवल बातचीत का दिखावा किया जा रहा है, और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए जो किसान है उनकी तमाम मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि जी काफी संख्या में किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली एनसीआर में मौजूद है। एक बिल्कुल दो किसानों की मौत की भी खबर आई जो कि ठंड की वजह से हुई है, ऐसा माना जा रहा है। तो कहीं ना जी कहीं इस तरीके से दोनों ही लोगों को, चाहे वो सरकार हो या किसान हो या आम जनता हो, सभी लोगों को इस तरीके के प्रदर्शन से काफी नुकसान है, और सरकार बिल्कुल को जल्द से जल्द मामले को निपटाना चाहिए। और ये विपक्षी दलों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है। जी बिल्कुल प्रीत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।